देखो बच्चों, अब हम आपको अलग तरीके के लाए प्रश्न। अभी हमने कराए थे कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, हिंदों में दिए गए सवालों को बदलो। अब देखो उसी का उल्टा, ध्यान से देखो, भिन्न वाले क्यों है सवाल, भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। किसमें बदलो, कैसे बदलेंगे, वेरी सिंपल, बिल्कुल मजा आएगा आपको। ये सवाल लिखे चार वन अपॉन टेन, थ्री अपॉन फोर, ये क्या है, भिन्नों में। ये किसने है जरा बोलो जोर से, भिन्नों में। ये भिन्न में भी है, भिन्नों में किसने दिए बच्चों, हम यहाँ पर किसमें लाएंगे, परसेंटेज किसमें लाएंगे, बोलो किसके समझ आ रही बात, हिंदों में सवाल दिए हुए हैं, पेपर में आएगा कि 100% और प्रतिशत में इसको बदलना है। अभी हमने बताया है कि प्रतिशत में, प्रतिशत का मतलब कितने में निकालते हैं प्रतिशत, गांठ बांध लो, दिमाग में फिट कर लो, 100 में ही निकालते हैं। कितने में निकालते हैं परसेंटेज, वेरी सिंपल हो जाएंगे सवाल। देखो तो देखो इसको कैसे करना है, पहले सवाल को 1/10 कितना लिख लोगे, बराबर करके यहाँ पर गुणा लगा लेंगे, फिर 100 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 100 से, या गुणा में 100 लिखो, बोलो इतनी बात किसके समझ में आए। इसी तरीके से इसको बराबर लगाओ, 3/4 पहले का दिया हुआ है, इसे परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा कर देंगे। बोलो यहाँ तक किसके समझ में आया, अच्छा आगे देखो, 1/25 गुणा 100 बराबर 7/5 गुणा 100, बोलो किसके समझ में आई जाता, बहुत आसान। देखो इस 0 से 0 काट दो, 1 0 से 0 कट गया, कितने बताए यहाँ पर, केवल तो ये आ गया प्यारे बच्चों मेरे लाल 10%। भिन्नों को काय बदल दिया, 10% इसके समझ में आई। इसको देखो 4 से काट दो, इसे 100 को भाग कर दो 4 से, 100 को 4 से भाग करेंगे, 4 × 8 बचे 2, 4 बच्चों 12 0 4 5 कितना आया, ये हो गया मेरे बच्चों 25%। इसे देखो 25 से काट दो, 100 को भाग कर दो 25 चौका, ये प्यारे बच्चों हो गया 4%, इसके समझ में आ गया। ये देखो 100 को 5 से भाग करेंगे, 100 को 5 से 5 × 10 है, और यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 20 बन गए, 100 5 × 20 और गुणा कर दो कितना आ गया, 7 × 20 140%। बोलो किसके समझ में आएगी, सारे बच्चों को आ गए, थैंक यू वेरी मच।